अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान अली, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे चैनल लाइफ विद एनिमल्स पे। दोस्तों आज हम शूट करने आए हैं अशरफी गोल्ड फार्म पर। कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है आप लोगों से, तो वीडियो जो है वो एंड तक देखें, और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर है चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर ले ताकि मेरे आने वाली हर नोटिफिकेशन की अपडेट आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और जिस किसी भाई को वीडियो शूट करवाना हो मेरे चैनल पर, आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी जीमेल आईडी दोनों ही मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और डड्डू भाई से देखते हैं आज क्या डिटेल। अस्सलाम वालेकुम दद्दू भाई। वालेकुम सलाम, और सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या है चल रहा है? सब अल्लाह का शुक्र है। आज इतना अर्जेंट में बुलाने की वजह भाई? आज तो अपने भाई लोग आए हैं ना। हाँ हाँ, सानू भाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसको कोई क्या के लिए भाई, इतने लोगों क्या है, प्रोग्राम क्या है वो बताइए। मोहब्बत है यार, प्रोग्राम मोहब्बत है, माशाल्लाह मोहब्बत है, बस मोहब्बत में आए हैं। मोहब्बत में आए हैं, सानू भाई है, सद्दाम भाई, सद्दाम भाई है माशाल्लाह, वालिद साहब नबील भाई है, आमिर भाई माशाल्लाह भिवंडी में काम काफी करते हैं, और ये दुम्बा किंग हमारे लालू सेठ माशाल्लाह, और ये भिवंडी के प्रेसिडेंट भी है हमारे। हाँ, और बकरा इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट है ये बकरा, ये हाँ माशाल्लाह, और ये जैन भाई हमारे माशाल्लाह, काम सभी अच्छा ही कर रहे हैं माशाल्लाह। अपने भिवंडी में सब अच्छा कर रहे हैं, भिवंडी में सब अच्छा कर रहे हैं, किसी की लगे। हाँ, ये पड़का वाली नजर ना लगे। अच्छा, बस काम ऐसा करते रहे, पड़का वाली नजर ना लगे, मैं यही दुआ करता हूँ। और सब एक रहे, और इज्जत आपको सब देवे माशाल्लाह, किसी को ऐसा कोई गलत लैंग्वेज ना बोला जाए कि किसी को अच्छा ना लगे, अच्छा ना लगे, सबको भाईचारा से रहो, कोई बड़ा है कोई छोटा है उम्र से। सही, दद्दू भाई है, बहुत पहले से है माशाल्लाह, काफी पहले से काम कर रहे हैं, पहले से। और ये हमारे राहिल भाई भी आए आज। सलाम अलैकुम राहिल भाई। सलाम भाई, और सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। तो दद्दू भाई कुछ बताइए, क्या बात है? क्या बात है? वीडियो बन रही है भाई, मोहब्बत में एक दावत रखे, गेट टुगेदर, गेट टुगेदर बस, और कुछ भी नहीं है। और कुछ बकरा भी दिखाना था लोगों को, चीज़ें ही बताना था। हाँ, और शानू भाई के बकरे हैं। शानू भाई अस्सलाम वालेकुम। दूसरी चीज़ ये कि अपना यहाँ पे बकरे पलाई पे जी जी जी, ठीक है, तो बकरा भी दिखाएंगे हम, उसके पहले आप कुछ बोलना चाहते हैं बकरे को लेके? कुछ बोलना तो ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह दद्दू भाई ने तो एकदम दिल खुश कर दिया, बकरा जो इनके पास आया है काफ़ी जगह से बकरा ना। अजान हो रही है तो फिर इस बार रुक के बनाते हैं। तो शानू भाई अजान हो गई, जैसा कि आप क्या बोल रहे थे बोलिए। बोलने का ऐसा था कि अल्हम्दुलिल्लाह जो रिजल्ट आया है लगभग 3 महीने में 30 किलो, ये बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आया अल्हम्दुलिल्लाह। 3 महीने में 30 किलो, 30 किलो का इन्होंने रिजल्ट दिया, यानी कि जो उम्मीद मेरे को कुर्बानी में थी, जो नियत से मैंने छोड़ा था कि 100 किलो का बकरा मेरे को दद्दू भाई देंगे तैयार करके, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 3 महीने में ही उत्ता दे दिए। 3 महीने में जी जी। और सबसे बड़ी बात कैसे, वो बकरा बहुत से लोगों ने रिजेक्ट किए थे कि ये बकरा तैयार नहीं होएगा, इसको रख के मतलब नहीं है, बेच दो ये बकरा, लेकिन दद्दू भाई ने कॉन्फिडेंस दिखाया, बोले अल्हम्दुलिल्लाह तुम भेजो, अल्लाह करने वाला है, मैं मेहनत करता हूँ। सही है माशाल्लाह, तो बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। दद्दू भाई मैं बकरा भी दिखाऊंगा लोगों को, और जो फीड हम अभी चालू करें यहाँ फार्म पर माशाल्लाह वो भी दिखाऊंगा कि कितना अच्छा रिजल्ट वो फीड का चल रहा है। तो बकरा जो आप भेजे थे जी, तो जब वो क्या वेट पे था? ये 75 पे था। 75 की जंगल से 75 में आया था, महीना भर मेरे पास था। हाँ, मतलब स्टेबल हो चुका था इधर पे, फिर उसके बाद इन्होंने उसका पिकअप लिए, तो अभी 105 के आसपास में है ये। 105 के आसपास में है माशाल्लाह, बच्चा देखिए, क्या बोलते हो लालू भाई? 5 फुट मेरी हाइट है। हाँ, मैं नापा हूँ। हाँ, अभी यहाँ तक आ रहा है माशाल्लाह। ये अपने वहाँ पे मैंने भी देखा था, और माशाल्लाह मैं आज इसको बाहर देख रहा हूँ, वाकई में बहुत इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह आया इसके अंदर, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो आज 3 महीने बाद इसको देख रहा हूँ, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट, बहुत उम्मीद भी आगे बढ़ेगा, और अभी तो पूरा सीजन बचा है जी जी जी। हाँ, तो दुबई क्या एक्सपेक्टेशन क्या है? कलाकारी अभी तो बाकी है। हाँ, अभी तो हाँ, तो बकरे में भाव है कि 100 के बाद बकरा भाग लेते हैं। हाँ, लेकिन 100 के बाद इंशाल्लाह अभी जगह है, बहुत है, बहुत जगह, बहुत जगह, देखिए माशाल्लाह क्या बात है। ये सब हड्डी वगैरह जो थी ना भाई, हाँ, ये सब एकदम दुबला हो गया था, यहाँ पे सब जख्म हो गए। ये तो देखे थे ना भाई वहाँ पे, और हकीकत में जब ये बच्चा वहाँ भी देखा गया था, जब बोलो ना, अच्छे अच्छे उस्तादों ने रिजेक्ट कर, हाँ, ये नहीं लग रहा था, चिपक गई है फलाना, बढ़ेगा नहीं, बहुत सारी बातें हुई थी, शाइनिंग वगैरह सब उतर गई थी बकरे के अंदर से। हम लोग दिखावे के लिए नहीं आए, स्किन दिखती थी अंदर की, चमड़ी दिखती थी इसकी। हाँ, बोलो ना, सब लोग फेल किए थे, लेकिन मैं मांग रहा था, लेकिन सानू भाई मेरे को, ये हकीकत है, दाम नहीं देने, लेकिन आज रिजल्ट भी है ना माशाल्लाह, दिल खुश हो गया ना मेरे भाई के पास, ये दिल खुश हो गया। नहीं माशाल्लाह, अभी की जो फीड है, तो भाई जरा फीड भी मंगा लो कि लोगों को हम दिखा दें कि कौन सी फीड है।
और माशाल्लाह रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा मिल रहा है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट बहुत से बकरों में आया है, लेकिन ये है कि बस ये बकरा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वेट गेन सूट कर दिया इसको, दाना वगैरह देखिए कैसा रहता है ना, इन्वायरमेंट भी सूट करने के ऊपर होता है। तो यहाँ पर आके ये बकरा माशाल्लाह सेट हो गया पूरा। बहुत दिल लड्डू भाई ने भी एक बात बोले थे वीडियो के अंदर, क्या बोले, बकरे ने वजन लिया, बकरा खाया तो वजन लिया अपन मानते, लेकिन मैंने एक बच्चा इनकी तरह बीमार भेजा था, हाँ उसने भी वजन लिया है रिजवान उसने भाई, भी लिया अच्छा खासा वजन लिया, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं 2 किलो पे, हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भी निकालो निकालो उसको भी, वो तो बीमारी भेजे थे भाई हमने, वो बीमार था ये तो चलो ठीक है, मतलब था ये, लेकिन ये खा रहा पी रहा था, वो तो बीमारी था मेरे हिसाब से 1 से 1.5 महीना रिजवान भाई वो बीमारी में निकाला, और उसके बाद ही माशाल्लाह, अगर वो नहीं निकाला होता, नहीं बीमारी में होता, इसके टक्कर में होता, क्या बोलोगे जैन भाई, क्या बोलेंगे चालू है, मेंढे भी दिए माशाल्लाह बड़े अभी, हाँ एक हफ्ता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी माशाल्लाह अच्छे दिख रहे, अच्छे दिख रहे, तुम खुश हो, बहुत खुश है माशाल्लाह। एक आदमी ऐसा है कि कहता है जितने भी बिक रहे इंशाल्लाह सबको पहले अपन ऑप्शन दे रहे थे, ऑप्शन दे रहे थे, बाकी तो देखो रिजल्ट समझ में आ गया है दद्दू भाई का, क्या इंशाल्लाह अपन कोशिश अब यही करेंगे कि अपने हाथ से जो बकरा बिकेंगे अपन लोगों को समझाएंगे, कुछ कस्टमर अपने से मानते हैं जो मानेंगे अपन, और जिसको पर्सनली जहाँ रखना चाहते हैं वो रख सकता है, रख सकता है, उसके लिए अपने को माना नहीं, लेकिन माशाल्लाह कोई कस्टमर अपने को ऑप्शन पूछता है, बकरियों के लिए भी पूछता है और बकरों के लिए, इंशाल्लाह अपन जो है दद्दू भाई के लिए 100% कोशिश करेंगे, भाई को कोई मतलब इसकी जरूरत नहीं है ये कि मतलब कोई मेरे को रिकमेंड करे, लेकिन ये हमारी मोहब्बत है, मोहब्बत है बस, मेन कैसा है शानू भाई खुश है कि उनका बकरा भाई पार हो गया, गुलपोशी ये सब हो रही है, सिर्फ खुशी में हो रही है, क्योंकि ये मेरे को कुर्बानी में 100 किलो चाहिए था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 3 महीने में 3 महीने में दे दिया, इसलिए भाई जरा सा क्या बोलते हैं फहीम भाई को शॉल उड़ाई गई और दद्दू भाई को एक माशाल्लाह छोटा सा गिफ्ट दिया गया, और ये रहा दाना माशाल्लाह। दद्दू भाई क्या क्या है इसके अंदर बताएंगे कुछ, सब दाल है 6 किस्म की दाल है, हाँ हाँ, और मक्का है सब इसके अंदर, मतलब तेल भी है, अच्छा तेल भी है, और हल्दी भी मिली हुई है इसमें, हर हर चीज है माशाल्लाह, हाँ ठंडी के साथ में हल्दी और तेल, अभी इसमें तेल है घोड़ा जीरा है, हाँ माशाल्लाह, मतलब हम लोग बनाते हैं इसमें 100 एक टन में 200 किलो घोड़ा जीरा है ऐसा, और माशाल्लाह सभी दाल में देख रहा हूँ हर चीज, गेहूँ वगैरह हर चीज है इसके अंदर, मटकी भी है, मटकी दाल है माशाल्लाह, मट कोई नहीं डाल, बहुत महंगी आती है, बहुत महंगी आती है, मट कोई नहीं डाल, नहीं एक टाइम है, मैं तो दद्दू भाई को काफी सालों से जानता हूँ, दद्दू भाई को तुम नहीं सब जानते हैं, दद्दू भाई सुनो कोई पैराशूट वाला फार्मर नहीं है, हाँ इन्होंने ये इंडस्ट्री में सीखा, इधर ही पे काम किया इन्होंने, हाँ अल्लाह ने इनको नवाजा, इन्होंने नवाजा फार्म डाला, और दूसरी चीज जब ये चालू स्टार्ट करे थे माशाल्लाह वो साल भाई कितने बकरे पलाई पे थे, 266 बकरे पलाई पे थे, और दद्दू भाई के कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से दद्दू भाई इतना वो नहीं कर पाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं देख रहा हूँ कि लग रहा है कि दद्दू भाई वो रेस में वापस आएंगे इंशाल्लाह धीरे धीरे। और दूसरा बकरा ये रहा माशाल्लाह, एक बार इसको भी दिखा दूँ मैं, अब तो अंधेरा हो रहा है लेकिन फिर भी हम शूट कर रहे हैं, इंशाल्लाह दिखा देंगे लोगों को कि चीज़ देखिए भाई, ये भी एकदम ख़त्म हो चुका था, ये बकरा भी, ये भी मैं देखा था, इसके अंदर इंजेक्शन ही जाती थी, अच्छा इतना कड़क हो गया था, इसको कान में इंजेक्शन दे रहे थे, कान में दे रहे थे, अरे वाह बोल रहा हूँ ना मैं, बीमारी में भेजे थे हकीकत में, और आज माशाल्लाह बकरे को जब मैं खिला रहा था ना रिजवान भाई, हाँ? तो मैं इसको देने की वजह क्या थी मालूम है यहाँ पे, हाँ? मैं इस पे हिम्मत हार चुका था, अच्छा हाँ हकीकत में, एक महीना मेरे पास था, मैं उसको हर चीज खिला पिला के देखा मगर नहीं हो पा रहा था, तो डिसीजन लिया गया कि दद्दू भाई के वहाँ भेज दे थे, लेकिन एक चीज़ है बस भेजे और माशाल्लाह दद्दू भाई ने मेहनत करे और आज ये पोजीशन पे है, और दूसरा अभी तो पूरा 6 महीना बाकी है और अभी बनने का टाइम है, वजन लेने का टाइम अभी है, बस उम्मीद करते हैं, हाँ अब चालू हुआ है तो माशाल्लाह चीज़ देखिए, हाँ एक को वजन करते हैं, आमिर भाई कुछ बोलोगे बोलो, क्या बोलेंगे भाई, बकरा मैं तो पहले देखा नहीं, लेकिन अभी जो पोजीशन है उसकी माशाल्लाह पंजाब में ये हाइट और ये बकरा जो है इतना 105 किलो 30 किलो वजन बढ़ाया 3 महीने में, तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमने बकरा बढ़ाना है, बोले तो सेट होने में 1-2 महीना लग जाता है, ये दोनों बकरे भी ना हम देखे थे वहाँ पे भाई, मतलब कुछ बचा नहीं था, बस ठीक है बकरा था ऐसा था, 3 महीने में 30 किलो बीमार बकरा आके सेट होना, फिर उसके बाद में वेट गेन करना, बोले बहुत बड़ी बात है, ये कमाल क्या रहमत,
आया था तो ऐसा था, ऐसा था। अब कैसा हो गया? 58 किलो पे आया था बकरा। 58 केजी पे अभी कितना है? अभी 85 है। चलो आओ वजन करते हैं इसको, बड़े वाले को तो नहीं, इसको वजन कर लेते हैं, दोनों को कर लो। चलो ये जीरो है ना, डालो उसको। डालो अंदर, भाई ये 86.5 तक जा रहे हैं माशाल्लाह, बेहतरीन। जो कि अभी 2 किलो कम बताए थे, 2 किलो कम बताए, 85 बोले थे, 85 बोले, अल्हम्दुलिल्लाह 2 किलो प्लस आए, प्लस हो गया। तो वजन नहीं करेंगे, दिन हो गया होगा ना, तो 85 का वजन होगा उनके दिमाग में। दद्दू भाई 85 आया, 87 आया, 87 आया, अभी 82 आया था, देखो ना 87 पर रुका है ना, अभी बकरा खड़ा है तो एकदम अच्छा। तो भाई तुम तो दिन दिन पे वजन बढ़ा रहे हो। मैं नहीं बढ़ा रहा, अल्लाह बढ़ा रहा भाई। हाँ बस माशाल्लाह। मैंने उस दिन वीडियो में बोला कि 10 किलो रिजल्ट नहीं है फार्म का। हाँ कुछ बकरे ने ले लिए, ले लिए नहीं, इसीलिए हम लोग भी आए कि आपकी एक वीडियो बनना चाहिए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा अभी काम चल रहा है फार्म का। किसी को भी पलाई पे देना हो, चार्जेस क्या है? चार्जेस 3000 रुपए माशाल्लाह। देखिए फीड बसा जाएगा तो पैसा कॉस्टिंग भी वैसी जाएगी, लेकिन कोई अगर एक साथ पैसा देता है रिजवान भाई, हाँ, तो 2500 रुपए। मैं चैनल पे भी डाला हुआ वीडियो। अच्छा तो आपके चैनल पे भी, अगर कोई वन शॉट पेमेंट देगा तो 2500 रुपए। कितना महीना बचा है अभी? समझो ना 6-6.5 महीना होगा, 6-6.5 महीना होगा। तो जो भी 2500 के हिसाब से काउंट करिए, दद्दू भाई को फोन करिए, और कोई भी हो 77 पे काला वाला मेंढा अपना 8 दिन पहले आया था। हाँ एक बार उसको भी कांटे पे लगा देंगे। चले राहिल भाई, हाँ भाई कुछ बोलेंगे? भाई क्या बोलूं, मैं तो आके इधर दिल खुश हो गया भाई मेरा, है ना सही में। माशाल्लाह अपन तो ट्रेडिंग के बकरे हमेशा ट्रेडिंग अच्छा, करते हैं भाई। हाँ। के जो बकरे ऐसा नहीं बनते नहीं है। हाँ। वो भी दद्दू भाई ने ऐसा प्रूफ कर दिया कि भाई उन लोग बहुत अच्छी बात। हाँ ये बात है कि ये सब बकरे भिवंडी में आए थे, में आके यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह देखो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट। हाँ इसका वजन 103 आ रहा है भाई, 104 जा रहा है माशाल्लाह। हाँ शानू भाई क्या बोल रहे थे आप? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट देख के तो देखो ना, जितने हम लोगों ने बकरे यहाँ पे भेजे हैं सबका रिजल्ट आ रहा है, सबका माशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। मेहनत करे दद्दू भाई ने, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे जो भी अगर बकरे बिकते मैं तो रिकमेंड इनको करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि सामने खुद के बकरे हैं किसी और के नहीं। ये मेंढा भी भिवंडी से आया, ये मेंढा अब ये कहाँ से किसी के पास है वो नहीं मालूम है मेरे को। हाँ कस्टमर ने ला के दिया है। ये मेंढे ने 2 महीने में 25 किलो वजन लिया है, 2 महीने में 25 किलो। वीडियो सामने भाई तुम ऐसी बात करोगे ना तो कोई यकीन भी नहीं मानेगा। बता रहा कोई कोई ने लिया है, तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर जो जो वीडियो देख रहे, अगर जो जिसका मेंढा है अभी सामने हो जाएगा 77 किलो का मेंढा, मैंने आज 8 दिन पहले ला के दिया हूं, अब उसको मंगा रहे 77 किलो का, 77 आठ दिन पहले। लेकिन लेकिन एक बात लालू भाई की, इतने कम दिन में अगर वजन मुश्किल है मेरे हिसाब से। अभी ये रिजल्ट देख के मैं व्हाइट इंशाल्लाह पंजाब, ये महीना आखिरी होगा। ये मैं बोलने वाला था आपको कि आप कब भेज रहे हो बकरा? मैं भेजने जा रहा हूँ। भेज रहे हो ना व्हाइट पंजाब 6 दांत का, 6 दांत का। लालू भाई को इतना कॉन्फिडेंट इसके लिए हुआ कि लालू भाई ने ये बच्चे को देखे, बच्चा मेरा आका देखा हुआ भाई, हम लोग भी देखे थे ना व्हाइट पंजाब भेजू, वो दोनों बच्चे देखे थे। ये तो अभी लास्ट वीडियो में ये बिका ना, लास्ट वीडियो में 8 दिन हुए आगे 77 पे था, 76 77 पे। चलो डालो कांटे पे डालो जरा देखते हैं, लेकिन जैन भाई मुश्किल है मेन भाई 8 दिन में बकरा सेट। हाँ जो भी है समझ में जो है सामने आधा किलो आ जाए चाहे वो अच्छा अच्छा नहीं, अगर बुरा है वो भी दिखाना चाहिए। हां ये बात सही है, नहीं नहीं वो तो बात सही है, लेकिन मैं एक जजमेंट ले रहा हूं कि अरे बाप रे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। छोड़ो छोड़ो 81 किलो 81 किलो यानी 4 किलो का फर्क इसका भी है, 5 किलो 4 था, लेकिन जैन की मानूंगा मैंने 4 किलो बोला था, 4 किलो बड़ा मैं बोला भी बोला दद्दू भाई 4 किलो ये भी बोला 4 किलो ही बड़ा दद्दू भाई तुम कमाल कर उस टाइम की वीडियो है नहीं है वो छोड़ दो, कभी अगर दोबारा रिजवान भाई अपना आना हुआ या नहीं आना हुआ या अपन पर्सनली आएंगे आएंगे इंशाल्लाह। दद्दू भाई को भी वापस चैलेंज पे डाल दो, ये दोनों बकरे पे तीनों को चैलेंज पे डाल दो, चैलेंज पे डाल देते हमारा वाकई मानना पड़ेगा यार हो गया रिजवान भाई। 103 है और वो 80 कितना है 6
वो 87 दोनों का वीडियो अपन एक महीने बाद फिर बना देंगे, एक महीने बाद फिर बनाएंगे इंशाल्लाह, देखते हैं क्या वेट गेन आता है। वैसे भी दद्दू भाई को आजमाने की जरूरत नहीं है। हाँ दद्दू भाई अपना लोहा खुद ही मनवा चुके नहीं, माशाल्लाह मेरे को इसकी हैरत हुई, ये 8 दिन में भाई 4 किलो वेट गेन मतलब दे दिया है। नहीं माशाल्लाह पर्सनली लेके आए थे भाई भिवंडी में ही, माशाल्लाह एक से एक चीजें निकल रही है और आ रही है और बन रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं, बस हब हो गया भिवंडी भाई, कौन सी क्वालिटी नहीं मिलती हिंदुस्तान की क्वालिटी मिले हर चीज। राहुल भाई की मैं कुछ फोन लगाने के थक गए तो फोन लगा नहीं, इतना बिजी हो जाता है। हाँ। और ये जैन को तो मैं रोज रात में लगाता 2 बजे तो उधर बिक गया राहिल भाई माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे हैं, बकरियां पतीरे बकरे ये वो चीज सही है। तो ठीक है भाई वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी है ना, तो वीडियो हम यही क्लोज करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा और एक जगह आ के माशाल्लाह ये होना चाहिए, मैं समझता हूँ ये चीज, आपस में जुड़े रहो भाई काम करो। दावत रखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अल्लाह ने बहाना बना दिया वो दावत का, अल्लाह ने हाँ हम लोग आने वाले कब थे रिजवान भाई, बकरीद के कुछ दिन पहले ये बकरा लेने आने वाले थे, हम लोग सोचे थे 100-110 भी मिल जाएगा ना तो बहुत है, बहुत है, लेकिन 6 महीना बचा है 103 किलो खड़ा है और अपने को बहुत ज्यादा वजन अभी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि दद्दू भाई पे प्रेशर डाल के जा रहे हैं भाई, 100 के बाद में अपने को पता है कितना बढ़ता है, थोड़ा बहुत भी बढ़ा तो बहुत है, बहुत है। हाँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई, क्योंकि बकरे में है जगह, बस अल्लाह हयाती दे उसको, बहुत जगह है उसमें भी, बहुत जगह है, जगह तो बहुत है इंशाल्लाह। तो यही रिकमेंड करेंगे जितने भी हम लोग ट्रेडर है भिवंडी के, अगर हो सके तो दद्दू भाई को भी एक बार जो नए इंडस्ट्री में जुड़ रहे हैं, जो हक है दद्दू भाई को भी एक बार मौका दो, जो नए लोग आ रहे हैं पुराने लोग तो इनसे जुड़े हुए ही है सब, सब मालूम है। तो अपने फार्म पे जगह है कि नहीं है, बगरों में तो जगह है दिल में भी बहुत जगह, ये आदमी का तुमने बोले हो दिल के, एक दिल के मतलब कोई नहीं लगता इनको, जो दद्दू भाई है कोई अगर मतलब बोलेगा ना मैं नाराज हूँ तो मैं अकेली नहीं मानूं, लेकिन ऐसी बात है, चलेगा भाई ठीक है, तो वीडियो यही क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।